पर जब भी आप पे आउट लेना चाहते हैं, आपके अकाउंट्स पर आपका पैसा आना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है वॉल्यूम का, तीन डॉट पर आप क्लिक करते हैं, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर जाते हैं, वहां से आपको मोनेटाइजेशन पर जाना है, सेटिंग्स पर चले जाते हो। मैं आपको बस बता दे रहा हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं बैक कर रहा हूँ, यहाँ पर गया हूँ, तो इस तरीके से आपके सामने में कुछ पेज दिखाई देगा, या कहीं कहीं से भी आप चले जाओ, ठीक है। एड टैक्स इंफॉर्मेशन पर जाएंगे तो यहाँ से आपको दिक्कत ये आती है कि कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिसके कारण हम यहाँ पर पे आउट सेटअप कर सके और उसके बाद हमारा पैसा हमारे अकाउंट्स पर आ जाए। सबसे पहले तो आप जो भी चीजें करते हैं उसके लिए आपके पास, मान के चलिए, आपका नाम सही होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, सबसे पहले जब भी आप फिलअप करते हो तो एड्रेस, एड्रेस के लिए आप मान के चलिए इलेक्ट्रिक बिल आपके पास होगा, या वोटर आईडी होगा, या इसके अलावा भी आधार कार्ड भी चल जाएगा जिसमें आपका एड्रेस सही से लिखा हो। और एक चीज ध्यान रखना, जो भी एड्रेस आपका आधार कार्ड पे है वो सेम एड्रेस, मतलब भाई मान के चलिए आपका पैन कार्ड पर भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका फादर नेम या मदर नेम, जो भी चीज है, गलत नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ गलत रहेंगे ना तो भाई उसे पहले ठीक करवा लेना, मतलब आगे चल के बहुत ज्यादा आपके इसमें प्रॉब्लम होने वाली है। दूसरा, आपके इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो लगेंगे पैन कार्ड। पैन कार्ड आपके पास है, अगर आप 18 साल से छोटे होंगे तो भाई मम्मी या पापा का पैन कार्ड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके साथ साथ आपके पास तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, बैंक पासबुक। गवर्नमेंट बैंक रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल SBI बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, यूनो बैंक हो गया, ठीक है। जो भी बैंक है आपके पास, ठीक है, वो बैंक के आपके पास पासबुक होना चाहिए। उसमें आपका लगेगा, दो तरीके से पेमेंट ले सकते हैं, एक में लगता है $25 में आप पेमेंट निकाल सकते हैं, एक रहता है $100 में आपको पेमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जस्ट अभी शो नहीं हो पा रहा, वरना मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता था। तो उसमें क्या रहता है, एक जो स्विफ्ट कोड लगेगा, $25 आप पेमेंट निकाल रहे हो, वरना $100 निकाल रहे हो तो उसमें आपका IFSC कोड भी लगेगा, बैंक अकाउंट नंबर लगेगा, बैंक अकाउंट का नाम लगेगा, और डिटेल IFSC कोड आपको इजिली गूगल पर मिल जाती है। पर जो नाम आपका बैंक अकाउंट में रहेगा, जिसका आपने पैन कार्ड लगाया, उसी का सेम आपका बैंक अकाउंट है रहना चाहिए। मतलब ऐसा कि बैंक अकाउंट अपने पापा का लगा दिए और पैन कार्ड आप अपने खुद का लगा रहे, ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करना। जो एड्रेस भी डाले बिल्कुल सही डाला, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ रहेंगी फिर वो आप अपनी मत डाला, आपके मम्मी का पैन कार्ड लगा रहा तो मम्मी का, या पापा का पैन कार्ड लगा रहा तो पापा का, पापा की ही बैंक पासबुक आपके इसमें होनी चाहिए। पूरी डिटेल आपकी कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि जब चल के आपके पास पैसा आएगा तो भाई ये चीज़ जरूर देखी जाएंगी कि भाई आप 18 साल से बड़े हो या नहीं हो। तो आप लगा सकते हैं अपने पेरेंट्स के भी डॉक्यूमेंट्स, उसमें कुछ नहीं है, तो आपके पास एड्रेस के लिए कुछ चाहिए, और उसके साथ साथ टैक्स फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं जिसके लिए पैन कार्ड की ही जरूरत पड़ती है, और बैंक पासबुक। बस ये तीन डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं रहेंगी। 21 तारीख को आपका पैसा आपके पास आ जाता है, आने में 6-7 दिन लग जाते हैं, 27-28 तक आपका पैसा आपके अकाउंट तक आ जाता है, 21 तारीख को रिलीज हो जाता है, हर महीने की 21 तारीख को, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम है आपको तो मुझे कमेंट जरूर कर दीजिए, मैं आपके ये डाउट्स पूरे क्लियर कर दूंगा। ओके, तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर तो फ्रेंड्स का चैनल ऐसा संचित है, ऐसे वीडियो में आपके लिए बनाते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।